फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अभी क्लिक करें। ओला के जिस इलेक्ट्रिक स्कूटर ने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, अब उसी स्कूटर की डिलीवरी पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसे खरीदने के लिए लोग कितने बेताब थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सबसे तेजी से बिकने वाला स्कूटर बन गया। ओला ने दावा किया था कि कंपनी ने इसकी बिक्री से एक ही दिन में 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। कंपनी का दावा था कि हर एक सेकंड में 4 स्कूटर की बिक्री हुई। उसे ई स्कूटर के लिए करीब 90,000 बुकिंग मिली थी। लेकिन ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फाडा के आंकड़े ओला कंपनी के इन दावों पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। फाडा के अध्यक्ष वेंकेश गुलाटी ने कंपनी के दावों को मीडिया स्टार्टअप हाइप होने का सवाल उठाया है। वेंकेश गुलाटी ने ट्वीट कर बताया कि 10 मिलियन कैपेसिटी का दावा करने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने दिसंबर में सिर्फ 111 इलेक्ट्रिक स्कूटर ही बेचे हैं। इनमें 60 इलेक्ट्रिक स्कूटर कर्नाटक में और 25 इलेक्ट्रिक स्कूटर तमिलनाडु में बेचे गए। इसके अलावा 15 स्कूटर महाराष्ट्र और 11 राजस्थान में रजिस्टर्ड किए गए हैं। इतना ही नहीं, विंकेश ने ट्वीट में दो सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने पूछा क्या डिलीवरी में डायरेक्ट टू कस्टमर कॉन्सेप्ट एक बड़ी बाधा बन रही है और क्या ये रियल है या सिर्फ किसी दूसरी स्टार्टअप कंपनी का प्रचार है। फाडा के मुताबिक ओला इलेक्ट्रिक ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को सिर्फ 4 राज्यों में डिलीवर किया है। हालांकि पिछले हफ्ते ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ और कोफाउंडर भाविश अग्रवाल ने कहा था कि कंपनी ने S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर के पहले बैच की सभी यूनिट्स भेज दी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ट्रांजिट में हैं, ज्यादातर पहले से ही आपके आसपास के डिलीवरी सेंटर पर हैं और RTO रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजर रहे हैं। दरअसल ओला इलेक्ट्रिक ने पिछले साल 15 अगस्त को अपने ई स्कूटर S1 और S1 प्रो को लॉन्च किया था। ओला कंपनी ये दावा कर रही है कि ये स्कूटर सिंगल चार्ज में 180 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे होम चार्जर के साथ लॉन्च किया जा रहा है, मतलब स्कूटर को घर में लगे आम सॉकेट से चार्ज किया जा सकेगा। कंपनी ने स्कूटर के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दिया है जो 18 मिनट में 50% तक चार्ज करेगा। इस स्कूटर की टॉप स्पीड 115 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। स्कूटर के S1 वेरिएंट की कीमत 99,999 रुपए और S1 प्रो वेरिएंट की कीमत 1,29,999 रुपए रखी गई है। ओला इलेक्ट्रिक अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर सीधे अपने ग्राहकों को बेच रही है जिसमें कोई भी डीलर शामिल नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक को स्कूटर की डिलीवरी शुरू करने के लिए करीब 4 महीने तक इंतजार करना पड़ा था। कंपनी ने इसके पीछे डिलीवरी के इशू बताए थे। वहीं ओला स्कूटर के लंबे इंतजार को देखते हुए अब इसकी डिमांड बहुत कम हो गई है।